नमस्कार, वेलकम टू इंटरव्यू क्लासेस। और इसमें हम इंटरव्यू कैसे लिया जाता है और इसमें कैसे क्या क्या टिप्स यूज करते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी हम इंटरव्यू में ये देखेंगे कि इंटरव्यू में सक्सीड कैसे करते हैं, हाउ टू सक्सीड एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में सफल होने के हमें क्या क्या करना चाहिए। एसिंग एन इंटरव्यू टिपिकली रिक्वायर्स प्रिपरेशन। Although early employer has slightly different method of selecting an interview, कहने का मतलब ये है कि आपको पहले से प्रिपेयर होके जाना है इंटरव्यू के लिए, स्पॉन्टेनियस नहीं होना है। वो स्पॉन्टेनियस आपको कुछ भी नहीं रहे, आपको पहले से लेटर दे रहे हैं, आपको पहले से बता रहे हैं कि इस डेट पर इतने बजे यहाँ पर आपको आना है इंटरव्यू देने के लिए। सो बिल्कुल प्लानिंग के साथ जाना है। और क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, डू प्रॉपर रिसर्च बिफोर हैंड, जाने से पहले पूरी तैयारी करके जाना है। रिसर्च द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड ड्रेस अकॉर्डिंगली। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करना है, और अगर उनके यहाँ कोई ड्रेस कोड चलता है उसको भी ध्यान में रखना है। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, आपको अपने तरफ से कुछ क्वेश्चंस का लिस्ट तैयार करके रखना है अगर इंटरव्यूअर आपको मौका देते हैं कि आपको कुछ पूछना है तो। वैसे समय में अगर आपको उचित लगता है, सिचुएशन अलाउ करता है, तो आप ये जो तैयार किए हैं क्वेश्चन उसमें से एक या दो पूछ सकते हैं। प्रिपेयर एन इंट्रोडक्शन, इंटरव्यूअर जाते ही अगर बोल देगा कि टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ तो बहुत भारी काम है, ये इतना हल्का चीज नहीं है। बीटिंग अराउंड द बुश नहीं चलेगा, टू द पॉइंट रहना है। और कम शब्दों में, कम से कम समय में, कम सेंटेंस में मैक्सिमम चीजें आपको कन्वे करनी है, इसलिए इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करना है। ये कैसे करना हम बताएंगे। ड्राइव बाय इंटरव्यू लोकेशन बिफोर हैंड, जहां भी आपका इंटरव्यू होने वाला है अगर आपका वो परिचित स्थान नहीं है तो अच्छा ये होगा कि पहले जाकर के उस जगह को थोड़ा देख होकर के आ जाइए, सो दैट समय से पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। और नहीं तो चिर परिचित है, आजकल तो गूगल लोकेशन वगैरह भी हो गया है, समय से एक घंटा पहले उस दिन भी पहुंचिए, हो जाता है। बट पता करके जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप उस एरिया में चले गए और उसका दूसरा सेंटर वहां पे है। तो इसलिए जाके पहले से दिखाइए, वहां पर जो गेट कीपर उनको दिखाइए, बोलिए साहब मेरा ये इंटरव्यू लेटर है यहीं का है ना, कन्फर्म करने में क्या जाता है। स्टार्ट विद हैंडशेक इफ बीइंग डन सो। किसी किसी इंटरव्यूअर बोर्ड में, पैनल में, जैसे आप जाएंगे वो लोग हाथ मिलाएंगे, अगर वो हैंडशेक करते हैं, हैंडशेक करना एक आर्ट है, ये कैजुअल नहीं है। हैंडशेक कैसे करना है ये भी हम बताएंगे। किक ऑफ विद द लाइट कन्वर्सेशन, बहुत सीरियस नहीं होना है। बढ़िया है सर, अपना सुनाइए सर। सर बढ़िया है, बहुत अच्छा है। कैसे कैसे आप आए सर? ट्रेन से आया सर। अच्छा, बर्थ कंफर्म था? हाँ सर कंफर्म था सर। नॉर्मल में रहिए। मेंटेन गुड बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा वैल्यू होता है इंटरव्यू में। इंटरव्यूअर में एक इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहे हैं और छह इंटरव्यूअर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए बॉडी लैंग्वेज जो होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज के हम क्लास लेंगे। कीप योर आंसर्स शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि दो घंटे तक आपका जो है 1857 का युद्ध सुने, उसकी कहानी सुने, रानी लक्ष्मीबाई का वो कविता लंबा सुन ले, उसके पास इतना टाइम नहीं है। पर्पसफुल इंटरव्यू है, उसको एक दिन में इतने इंटरव्यू लेना है, इसलिए आपके पास जो भी टाइम दिया जा रहा है उसमें बी स्पेसिफिक, बी शॉर्ट, संक्षिप्त रूप में सारी बातें आप रख दीजिए उनके पास जो रखना चाहते हैं। ये एक आर्ट है और इसको इनकल्केट किया जाता है, हम एक एक करके बताते चलेंगे। एंड द इंटरव्यू विद अ पॉजिटिव नोट। जब भी इंटरव्यू से निकले, इंटरव्यू को लगना चाहिए कि इंटरव्यू को लग रहा है कि इसका सिलेक्शन होने वाला है। जब भी आप इंटरव्यू खत्म हो जाता है उससे जब आप बाहर निकले तो जो पैनल है, पैनल को लगना चाहिए कि कैंडिडेट को ऐसा लग रहा है कि इसका सिलेक्शन होने वाला है। ये एक पॉजिटिव नोट है, होने वाला हो चाहे ना होने वाला, बात की बात है। सो आपको कम्युनिकेट वैसे ही करना है। इन्हीं पॉइंट्स को हमने यहां पर इलाबोरेट किया है।
आपको जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, इतनी चीजें तो आपके पास पता होनी ही चाहिए। जब हम ESIC का इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो ESIC के बेसिक चीजों के बारे में हम अलग से क्लास लेंगे। ड्राइव बाय इंटरव्यू लोकेशन बिफोर हैंड, पहले मैंने बताया आपको उस जगह के बारे में फेमिलियर हो जाइए, बढ़िया से समझ बुझ लीजिए कि कहाँ पे आपको जाना है। एक नाम के कई बार दो अलग अलग लोकेशन होते हैं, यहाँ से वहाँ भागते भागते कहीं छूट ना जाए, इसलिए आपको पहले से जा करके समझ बुझ लेना चाहिए। रिसर्च द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड ड्रेस अकॉर्डिंगली, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। कई जगहों पर नमस्कार सर करना अच्छा लगता है, कई जगहों पर शायद उनको अच्छा ना लगता, कई जगहों पर हैंडशेक करना अच्छा लगता, कई जगहों पर गुड मॉर्निंग अच्छा लगता है, कई जगहों पर राम राम जी अच्छा लगता हो, कई जगहों पर जय श्री राम अच्छा लगता हो। आपको उनके अनुसार करना है, आपके अनुसार वो नहीं करेंगे। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को समझना है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें ड्रेस कोड भी आता है, जूते पहन के जाना है, चप्पल पहन के जाना है, शर्ट पहन के जाना है, टी शर्ट पहन के जाना है, ये सब कुछ उसमें कवर अप हो जाता है। प्रिपेयर एन इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन आपको तैयार रखना है, इसकी हम क्लास लेंगे। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस का लिस्ट बना करके रखना है कि अगर आपको मौका मिलता है लास्ट में इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछते हैं कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट क्वेश्चन होना चाहिए। आप DD के लिए अगर अपियर हो रहे हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं तो बोलिए कि सर DD के लिए तो हम अपियर हो रहे हैं, इसमें करियर का स्कोप क्या है सर, और कितना जल्दी इसमें प्रमोशन हो जाता है, ये रिलेवेंट हो गया। और नहीं तो बोले कुछ पूछना चाहते हैं, हाँ पूछना चाहते हैं सर क्या, बोले ये राजधानी एक्सप्रेस किस किस दिन लेट होती है, ये रिलेवेंट हुआ ना। ये रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं डालना है, रिलेवेंट क्वेश्चन डालना है। स्टार्ट विद हैंडशेक एंड मेंशन द इंटरव्यूअर्स नेम, अगर सिस्टम अलाउ करता है तो हैंडशेक कीजिए। इसमें इंटरव्यूअर का नेम बोला है नहीं लेना है, सर लेना है, हेलो मिस्टर सुमित हाउ आर यू, ऐसा नहीं करना है, उल्टा पड़ जाएगा। वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए नाम नहीं लेना है। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, जो भी आपके तरीके हैं, नमस्कार सर, जो भी तरीके हैं उसके साथ आप उनके पास पेश होना है। मेंटेन गुड बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए और इसके हम क्लासेस लेंगे। कीप योर आंसर्स शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी आपके आंसर होना चाहिए टू द पॉइंट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, लेफ्ट राइट में बकवास नहीं करना है, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना है, क्योंकि इंटरव्यूअर कोई कच्चा आदमी नहीं है, वो खिलाड़ी है, आपको पकड़ लेगा वो। एंड द इंटरव्यू विद अ पॉजिटिव नोट, तो इस तरीके से इंटरव्यू में सक्सीड होने के ये कुछ तरीके हैं। चर्चा जारी रहेगी, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।